रुवा लोग बिहार में बैठ करके प्रोग्राम सुनते नहीं और सुनब लाइव टेलीकास्ट करता एएचओ न्यूज एक बार जोरदार ताली एएचओ न्यूज के संवाददाता ताली। ऑल इन ऑल मैं ये समझता हूँ कि बिहारी लोग जो हैं वो महाराष्ट्र सोसाइटी में अच्छा खासा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो उनको जो लोकल लेवल पे प्रॉब्लम्स होती है उन प्रॉब्लम्स को दूर करने का हम कोशिश करेंगे। पलायन को रोकने के लिए बिहार फाउंडेशन आने वाले समय में कुछ योजना बनाने वाली है। फाउंडेशन ने बहुत सा इन्वेस्टमेंट कराया है, करीब 70,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कराया है। मैं आपके माध्यम से बोलना चाहूँगा कि बिहारी मजदूरों को डरने की जरूरत नहीं है, अब वो पहले जैसा बिहार नहीं है, अब वो बिहार बदल गया है। क्या आप भी अच्छे डॉक्टर से बेहतर इलाज ढूंढ रहे हैं? अगर हाँ तो डाउनलोड करिए बीगो हेल्थ ऐप और कराएं सही डॉक्टर से सही इलाज, वो भी बिना किसी परेशानी के। भोजपुरी एक्ट्रेस डांसर मिस जम्मू सब केहू के दिल से चरण स्पर्श करता नहीं गोर छुआता नहीं, एक बार जोरदार ताली बजा के आशीर्वाद दे दीजिए हो भैया, दोनों हाथ उठा के ताली बजा के आशीर्वाद दे भैया, सबने लगी कि आपके चिंटू आए बात ये भैया, पीछे से भी आशीर्वाद आने के चाहिए। जय बिहार, जय बिहार, हिंदुस्तान। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका एएचओ न्यूज पे। शुक्रिया सर। जिस तरह से आज भव्य रूप से जो बिहार दिवस के अवसर पर आज ये सांस्कृतिक कार्यक्रम का जो आयोजन किया गया था, इसके बारे में कुछ हमारे बिहारी दर्शकों को बताने की कृपा करें। MMR में ऐसा बताया जाता है एक आंकड़े के हिसाब से कि 22 लाख से ज़्यादा बिहार के बिहारी हैं, यहाँ काम करते हैं, अपनी रोज़ी कमाते हैं, बहुत दिनों तक बहुत वक्त तक ये लोग अपने रूट से दूर रहते हैं, घर की याद तो हर आदमी को आती है। तो गवर्नमेंट ऑफ बिहार की जो संस्था है बिहार फाउंडेशन, उसने बिहार दिवस का यहाँ पर आयोजन किया है। इसमें बिहार की जो संस्कृति है उसकी एक झलक हम लोगों ने पेश की है। बिहार के विकास में यहाँ डायस्पोरा का रोल, बिहार का लोगों का और महाराष्ट्र के लोगों का आपस में जो समझ और स्वाद रहे वो कैसे बढ़ेगा, उस पर काम हुआ है। और हमने आज महाराष्ट्र कल्चर की जो अच्छी चीज़ें हैं कुछ झलकें हैं वो भी पेश की हैं, ताकि बिहार के लोगों को भी उसके बारे में पता चले। तो हमारा जो गवर्नमेंट का पर्पस है कि ब्रांडिंग, बॉन्डिंग और बिज़नेस, इस हवाले से यहाँ पे काम हुआ है। और आपने देखा कि बड़े बड़े लोग यहाँ पे आए, बड़ी शख्सियतें यहाँ पे आई और सब ने कुछ ना कुछ यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया है। तो पीपल टू पीपल कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए एक फोरम है ये। सर क्या आने वाले दिनों में भी इस तरह के कार्यक्रम होंगे बिहार दिवस के अवसर पर? मैं समझता हूँ कि ऐसे कार्यक्रम होंगे और मैं जब तक चेयरमैन हूँ मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि बिहार दिवस के उपलक्ष्य में हम ऐसे प्रोग्राम को आयोजित करें। सर आने वाले दिनों में बिहार फाउंडेशन और जो बिहारी मजदूर हैं, जो प्रवासी मजदूर हैं, उनके लिए क्या क्या करने वाली है? बिहार फाउंडेशन गवर्नमेंट की सूचना के हिसाब से चलती है, लेकिन जैसे हमने यहाँ लोगों का राशन कार्ड, उनका आधार कार्ड, उनके हेल्थ कार्ड, इन सब के ऊपर काम किया है। इसके अलावा लोकल लेवल पे पुलिस स्टेशन में जो काम होता है, तहसील या मुफसिल में जो काम होता है उस पर हम मदद करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। पेशेंट्स जो आते हैं उनको मेडिकल केयर मिले उसके लिए हम कोशिश करते हैं। ऑल इन ऑल मैं ये समझता हूँ कि बिहारी लोग जो हैं वो महाराष्ट्र सोसाइटी में अच्छा खासा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो उनको जो लोकल लेवल पे प्रॉब्लम्स होती है उन प्रॉब्लम्स को दूर करने का हम कोशिश करेंगे। और हम ये चाहेंगे कि वो लोकल इकोनॉमी में भी कंट्रीब्यूट करें, लोकल कल्चर में कंट्रीब्यूट करें और साथ ही साथ अपनी जो मिट्टी है उसके बारे में भी ज़रूर कुछ ना कुछ सोचें वहाँ पर। सर आज के इस सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से बिहार के लोगों को आप लोग क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? सर एक कहावत है, यहाँ रहिए या इलाहाबाद रहिए सदा आबाद रहिए। तो हम बिहार के लोग मुंबई में भी हैं, प्रवासी बिहारी रूप में हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर बिहार फाउंडेशन चैप्टर मुंबई के तहत बिहार सरकार का जो उपक्रम है, हम बिहार से हमेशा जुड़े हुए लोग हैं और बिहार के लोग जो यहाँ पे रहते हैं करीबन 22 लाख लोग मुंबई में रह रहे हैं। और आपको ये बता दें कि ताजुब होता होगा, सब लोग जानते नहीं हैं कि यहाँ से करीबन 125 लाख करोड़ रुपये बिहारी लोग अपने बिहार में भेजते हैं यहाँ से मुंबई से, और जो कि बिहार की प्रगति में हमेशा सार्थक कदम होता है। बिहार फाउंडेशन का उद्देश्य ही है बिहार सरकार का बॉन्डिंग, ब्रांडिंग एंड बिजनेस। रुवा लोग बिहार में बैठ करके प्रोग्राम सुनते नहीं और सुनब लाइव टेलीकास्ट करता।
एएचओ न्यूज, एक बार जोरदार ताली एएचओ न्यूज के संवाददाता साथी। और यहाँ बिहार कार्यक्रम जो होता है के बाद बिहार भवन बनी, और बिहार भवन बनी तो एएचओ न्यूज फिर से आई और बिहार फाउंडेशन के कार्यक्रम कवर करी। धन्यवाद। क्या कुछ कहेंगे आज के इस सफल कार्यक्रम के बारे में? आज का प्रोग्राम बहुत ही भव्य तरीके से प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया गया और ये काफी सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा अल्हम्दुलिल्लाह। आपने तो देखा ही है, आपने एक एक इसका मिनट का जो है ना आपने कवर किया है। ये प्रोग्राम काफ़ी सफल रहा, बहुत अच्छा रहा और इस प्रोग्राम को कामयाब करने में हमारे कैसर खाली जो बिहार फाउंडेशन के प्रेसिडेंट हैं। क्या लगता है बिहार फाउंडेशन वाले जो बिहारी मजदूर हैं, प्रवासी मजदूर, उनको अपना हक दिलाने में आप लोग अथक प्रयास करेंगे? बिल्कुल, बिहार फाउंडेशन जैसा कि हमारे कैसर खाली साहब ने कहा ही है, आपको सारी बात तो उन्होंने कहा ही है कि बिहार प्रवासी जो है उनको यहाँ पर काफ़ी सहूलत मुहैया कराया जाता है। और मैं आपके माध्यम से बोलना चाहूँगा कि बिहारी मजदूरों को डरने की ज़रूरत नहीं है, अब वो पहले जैसा बिहार नहीं है, अब वो बिहार बदल गया है। बिहार दिवस के अवसर पर अपने बिहार के भाइयों के लिए दो शब्द क्या कहेंगे? बिहार के भाइयों को यही कहेंगे कि बिहार का भविष्य उज्ज्वल कराना है तो वहाँ डेवलपमेंट करें ताकि वहाँ से लोगों का पलायन नहीं हो। जब पलायन को रोकने के लिए बिहार फाउंडेशन आने वाले समय में कुछ योजना बनाने वाली है? बिहार फाउंडेशन ने बहुत सा इन्वेस्टमेंट कराया है, करीब 70,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कराया है, जिसमें बहुत सा फलीभूत हुआ है और धीरे धीरे सभी फलीभूत होंगे और वहाँ रोजगार मिलेगा। जिस तरह से आज के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग पहुँचे थे, सफल कार्यक्रम हुआ, एक बिहारी होने के नाते कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। और इतने लोग जो है रमजान होने के बाद भी पहुंचे, ये बहुत बड़ी बात है। और इतने भीड़ थी जो है, एक भी कुर्सी खाली नहीं थी। कार्यक्रम जो है काफी सफल रहा। क्या कहेंगे दो शब्द बिहार के लोगों के लिए बिहार दिवस के अवसर पर? बिहार दिवस के अवसर पर यही हुआ कि सबको जो है जहाँ भी रहे मिलजुल के रहना चाहिए, जहाँ भी जो है, यह हमारी कर्म भूमि है, बिहार हमारी जन्म भूमि है, यह हमारी कर्म भूमि है, तो हमको भी सही से रहना चाहिए ताकि जो है कोई भी जो है बिहारी को जो है गलत शब्द से इस्तेमाल ना करे। बिहार दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ कहेंगे जिस सबसे आज आपको सम्मानित किया गया है? इसके बिहार पर हमें ये बोलना है कि हमें यंगस्टर को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फ्लुएंस होना है कि अपने राज्य को बड़ा सम्मानित करना है इस चीज़ के लेके कि सबको आगे बढ़ना चाहिए, एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए। अभी तो अच्छा लग रहा है। बाकी हमारे अब्रार भाई अंकल है और ये संदूर जी है, इनके बिहार पर हम लोग थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। क्या आप भी अच्छे डॉक्टर से बेहतर इलाज ढूंढ रहे हैं? अगर हाँ तो डाउनलोड करिए बीगो हेल्थ ऐप और कराएं सही डॉक्टर से सही इलाज, वो भी बिना किसी परेशानी के।